Headlines Non-Stop 100. बनासकांठा की रैली में पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के बहाने कांग्रेस पर किया करारा वार। मणिशंकर के पूर्व में किए गए पाकिस्तान दौरे पर उठाए सवाल, कहा मुझे रास्ते से हटाने की सुपारी देने गए थे पाकिस्तान। जहां सुधी मोदी ने रस्ता माथी नहीं हटावो भारत ने पाकिस्तान ना संबंधों नहीं सुधरे। रस्ता माथी हटावानो मतलब शू थाय भाई? अने आ काम पाकिस्तान में जैसे तब सोपारी अपा गया था। पीएम मोदी ने कहा जब बाढ़ से बेहाल था गुजरात तो स्विमिंग पूल में मौत कर रहे थे कांग्रेसी। कमल सुधी पानी ने अंदर फरी फरी ने लोगों की सेवा करते तो तेरे कांग्रेस वाला बेंगलोर में स्विमिंग पूल में हिलोड़ा लेता था। पीएम मोदी ने राहुल की दादी इंदिरा गांधी पर फिर साधा निशाना, बोले बांध टूटने के वक्त नाक ढककर आई थी मोरपी, गुजरात से उन्हें आती थी बदबू। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उठाया मुद्दा, कांग्रेस नेता और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील कपिल सिब्बल से क्या सवाल, मंदिर के पक्ष में है या मस्जिद के। छोटा उदयपुर की रैली में राहुल गांधी ने उठाया मणिशंकर अय्यर पर कार्रवाई का मुद्दा, कहा पीएम पद पर बैठे व्यक्ति का कांग्रेस करती है सम्मान, अपमानजनक भाषा कांग्रेस की संस्कृति में। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार पर लगाए गए घोटालों के आरोपों को किया खारिज, सोनिया राहुल के पीएम मोदी पर किया अपमानजनक बयानों का जारी की सूची। गुजरात में खत्म हुआ पहले दौर का चुनाव प्रचार, कल होगा करीब 90 सीटों पर मतदान। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सीएम रूपाणी समेत 977 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बीजेपी ने जारी किया गुजरात के लिए संकल्प पत्र, अहमदाबाद में जेटली ने गुजरात के वादे गिनाए। बीजेपी के संकल्प पत्र में स्वास्थ्य शिक्षा कृषि अहम मुद्दा, जेटली ने कहा आंकड़े हैं सरकार के कामकाज का सबूत, 5 साल में गुजरात की औसत विकास दर रही 10%, यह दुनिया में सबसे ज्यादा। जेटली ने कहा पूरे गुजरात को एक रखने का संकल्प है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, बोले उसमें केंद्र की योजनाओं का जिक्र। जो साधन उपलब्ध है वो और उपलब्ध होते जाए, उस गति के साथ इसको करते जाए, पूरा उद्देश्य हाउसिंग का है, जो केंद्र की योजना भी ले लो। हार्दिक पटेल ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र नहीं आने को बनाया था मुद्दा, क्या था ट्वीट, साहब कोई कुछ भी नहीं कहेगा, एक बार चुनावी घोषणा पत्र में अपनी शैली में फेंक दीजिए। हार्दिक ने ट्वीट में आगे लिखा लगता है सीडी बनाने के चक्कर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र ही भूल गई, काले वोटिंग। राहुल गांधी ने भी बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आने को बनाया मुद्दा, किया ट्वीट, प्रचार खत्म लेकिन घोषणा पत्र नदारद है, गुजरात के भविष्य के लिए बीजेपी के पास कोई दृष्टिकोण और विचार नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किया 10वां सवाल, आदिवासियों का उठाया मुद्दा, लिखा आदिवासी से छीनी जमीन, किया बेरोजगार। राहुल ने आगे लिखा पलायन से ने दिया आदिवासी समाज को तोड़ा, मोदी जी कहां गए वन बंधु योजना के 55,000 करोड़। मणिशंकर अय्यर पर कार्रवाई के वक्त के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पीएम मोदी से किए सवाल, सोनिया गांधी और शशि थरूर पर पहले दिए आपत्तिजनक बयानों का, क्या पीएम मोदी मांगेंगे माफी। अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने कांग्रेस के लिए वोट की अपील की, विकास पर कसा तंज, कहा गुजरात में कोई ऐसा हाईवे नहीं जिस पर उतर सके फाइटर प्लेन। जूनागढ़ में बीजेपी का प्रचार कर रहे स्वामी भक्त प्रसाद पर हुआ हमला, स्वामी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों ने उछाली टोपी, बीजेपी की बाइक रैली के दौरान सूरत के हीरा बाजार का वाकया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को करना पड़ा जबरदस्त विरोध का सामना, बाइक सवार कार्यकर्ताओं की लोगों ने टोपियां और झंडे छीनकर हवा में उछाल दिए, वीडियो वायरल। राजकोट में कांग्रेस प्रचार के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लगा झटका, प्रोटोकॉल तोड़कर एक बुजुर्ग से मिले लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें दिखाई यूपीए के घोटालों की सूची। गुजरात में बीजेपी का लेजर प्रचार, साबरमती रिवरफ्रंट पर प्रचार वाली रोशनी की छटा।
अकोटा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीमा मोहिले ने गरबा को मनाया प्रचार कहा गया। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का आरोप, राम मंदिर मामले में कांग्रेस कर रही है राजनीति। वसीम रिजवी ने कहा वोट की राजनीति के लिए ही सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से जन्मभूमि विवाद पर फैसला टालने की अपील की। 70 सालों से मुसलमानों को कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया। लालू यादव ने मणिशंकर अय्यर पर कसा तंज, बोले खराब है दिमागी हालत, पीएम मोदी से है सेटिंग। आईआरसीटीसी घोटाले, होटल घोटाले में लालू के परिवार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, राबड़ी और तेजस्वी के नाम पटना स्थित 3 एकड़ जमीन कुर्की, 45 करोड़ रुपए की कीमत। आरोपों के मुताबिक लीज पर होटल देने के बदले लालू ने के परिवार को मिली जमीन, पहले सरल गुप्ता बाद में राबड़ी तेजस्वी के नाम किया गया ट्रांसफर। महाराष्ट्र के गोटिया में बीजेपी सांसद नाना पाटोले ने सांसद सदस्यता से दिया इस्तीफा, लिखा मोदी स्टाइल की राजनीति से मैं सहमत नहीं हूं। निराड़ी कांड में दोषी मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सजाए मौत, इस पर किसी को एतराज क्यों। दिल्ली के जामिया नगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खेल खेल में सिर में मारी गोली, दोनों पार्क में बैठकर पी रहे थे शराब, घायल की हालत गंभीर। गाजियाबाद के हिंडन विहार में प्लास्टिक सामान से भरे गोदाम में लग गया आग, अवैध तौर पर किया गया था गोदाम का निर्माण। कर्नाटक के विदन में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक, पुलिस कार्यकर्ताओं को जबरन हटाया। विराट कोहली और अनुष्का की शादी की अटकलों के बीच दोनों विदेश रवाना, विराट ने दिल्ली और अनुष्का के परिवार ने मुंबई से ली फ्लाइट। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर में ड्रोन मिलने से हड़कंप। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।